मांगे कर्मचारी की लापरवाही का खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। कर्मचारी की लापरवाही का नतीजा है कि आए दिन मौलानापुर फिल्टर का तार टूट टूट कर प्रतिदिन गिर जाता है। विभाग दर्जनों गांव के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी उच्च अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रही थी। अर्दौना विद्युत सर्विस स्टेशन में अर्दौना, इटौरा, मखना, गरथौली, देवदत्त, मौलानापुर में फिल्टर लगाए गए हैं, जबकि अर्दौना फिल्टर सही चलता है। वहीं मौलानापुर फिल्टर में मौलानापुर, रजमालपुर, छतरपुर, पहसा, जगदीपुर, जगन्नाथपुर आदि गाँव को मौलानापुर फिल्टर से जोड़कर सर्विस स्टेशन बिजली सप्लाई करता है, लेकिन तार व खम्भे इन गाँव के इतने जर्जर हो गए थे कि थोड़ी सी हवा बहती है तो भी कभी कभी सप्लाई लाइन तो कभी 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर जाता है। वहीं 20 संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी सर्विस स्टेशन पर क्षेत्र के लिए तैनात की गई है, फिर भी लाइन मैन का पता नहीं चलता। संविदा कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क के नहीं पहुंचते। वहीं जे द्वारा अर्दौना फिल्टर चलाने के लिए तत्कालीन की जाती है, लेकिन मौलानापुर फिल्टर के लिए जैसे ही चालू होते हैं कि कोई विभाग का कर्मचारी नियुक्त नहीं है। तार टूटकर गिर जाने का भी कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जाती। इसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। समाज सेवी सुषमा मास्टर, भरत लाल एडवोकेट, राम नारायण यादव, राम प्रवेश, शिव शंकर, नीरज गुप्ता, श्री राम चौहान, भोला शर्मा, धर्मराज चौहान आदि किसानों ने भाग किया है। किसानों ने मांग की है कि मौलानापुर फिल्टर से जुड़े एलटी तथा हाई वोल्टेज का तार शीघ्र ही बदला जाए तो किसान आंदोलन करने के लिए बाधित हो जाएंगे। और सर, मैं नंदलाल बागी सदर जिला पंचायत पासा से हूँ। इस क्षेत्र का मैं जन प्रतिनिधि हूँ। यहाँ प्रतिनिधि मुझे जनता ने मुझे मौका दिया है। और सर, यहाँ जो बिजली की हालत है बहुत जर्जर है, बहुत खराब कुछ। अरे ऐसे डोर बटे कि अगर दही पर गिर जाए तो आदमी घाई हो जाए। ले जा तो उसका सट जाला कि ना, एम में घास वोस लेके इधर से घास वोस